और मैंने कोशिश की है कि इसमें आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताऊं। इस वीडियो में बहुत कुछ इंक्लूड है, वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आप लोगों के लिए बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैंने इसमें वो सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूड करे हैं जो कि आपकी एक ब्राइडल वैनिटी में होने चाहिए। प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो मैं आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जिससे कि आप कुछ भी लेना चाहें तो आपको ईजी पड़े। और सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मैं पर्सनली आपको यूज करे हुए प्रोडक्ट्स ही बता रही हूँ, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं सब मैं अपने ही अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है तन्वर अपर्णा, और वहां अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाइए फॉलो करिए, क्योंकि वहां आपको डेली कंटेंट मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर वहां की स्टोरीज में। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इन प्रोडक्ट से जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वैनिटी में, मैं अपना खुद का मेकअप आपको यही करके दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें मेकअप करके दिखाइए, तो मैंने सोचा आपको इन प्रोडक्ट से मेकअप करके दिखाऊं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमर से। प्राइमर जो है आपको ले सकते हैं विंटर्स में स्टूडियो डर्मा पैक ऑयल प्राइमर, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आप डर्मा बेसिस या फिर आप सुप्रा बेसिस यूज कर रहे हैं या पैन स्टिक्स यूज कर रहे हैं ब्राइड्स के लिए, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। जो पैक का जो ऑयल प्राइमर है, दिस इज रियली गुड, ये आपको विंटर्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा। समर्स के लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ लॉरियल का बेस मैजिक, ये बहुत अच्छा प्राइमर है और रीजनेबल प्राइस भी है इसका। आप जो है कलर बाल का प्राइमर भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा है, बट दे बोथ आर रियली गुड चॉइस, ये समर्स के लिए और ये विंटर्स के लिए। आप पैक का पोर प्राइमर भी ले सकते हैं, अगर आपकी किसी ब्राइड को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो तो आप ये यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। विंटर्स में यूज कर सकते हैं, समर्स में भी यूज कर सकते हैं आप इसको, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड प्राइमर। आप बात करते हैं बेसिस की, सुप्रा बेस यूज करें, डर्मा बेस यूज करें या फिर फाउंडेशन यूज करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरीके की पैलेट्स ले लीजिए, ये ज्यादा ईजी रहती है, कन्वीनियंट रहती है और ज्यादा चलती भी है। आप एक सुप्रा पैलेट ले लीजिए, एक डर्मा पैलेट ले लीजिए, दो पैलेट्स आपके ये हो जाएंगे। और इसके साथ अगर आप फाउंडेशन इसमें ऐड करना चाहते हैं अपनी ब्राइडल वैनिटी में, तो मुझे जो सबसे रीजनेबल लगा और जो कि अच्छा है, आप अगर फाउंडेशन इस बेस के ऊपर आप यूज करना चाहते हैं फाउंडेशन, तो दिस इज अ गुड चॉइस। मेबलिन सुपर स्टे इज अ रियली गुड चॉइस, ये बहुत अच्छा है। इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर कहीं दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, आप इसको ऐड कर सकते हैं अपनी ब्राइडल वैनिटी में। और ये एक प्रोडक्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी वैनिटी में जरूर होना चाहिए प्रोडक्ट, मेकअप ब्लेंडर है ये पैक का, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था। तो ये जो है आप सुप्रा बेसिस के साथ, डर्मा बेसिस के साथ, प्लस आपके पास पैन स्टिक्स हैं आप उसमें भी ये मिलाकर मिक्स करके आप जो है यूज कर सकते हैं, दिस इज रियली अ गुड। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्रेयॉन के साथ यूज कर सकते हैं या इसके साथ यूज कर सकते हैं, तो आप इस मेकअप ब्लेंडर को किसी भी क्रीम फाउंडेशन के साथ यूज कर सकते हैं, जो कि विंटर्स में बेसिकली बहुत ठीक हो जाता है और आप यूज करने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रोडक्ट जो है आपकी ब्राइडल वैरायटी में जरूर होना चाहिए, अगर आपके पास डर्मा या सुप्रा बेसिस हैं तो। और आज जो है मैं डर्मा कलर से आपको मेकअप करके दिखाने वाली हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप पैक को ज्यादा जो है प्रमोट कर रही हैं या फिर या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए कहा, तो आज मैं आपको डर्मा से आपको इसमें मिक्स करके इससे मेकअप करके दिखाने वाली हूँ। ये डर्मा का कलर है D4, दिस इज माय शेड, तो आज देखते हैं कि इसका जो है रिजल्ट कैसा रहेगा। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 2-3 ड्रॉप्स मेकअप ब्लेंडर की। ओके, इस मेकअप को ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पैक का 306 ब्रश ले रही हूँ, ये बहुत अच्छा ब्रश है, ये भी आपकी मेकअप वैनिटी में जरूर होना चाहिए।
और इसको हम इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए अच्छे से ब्लेंड करेंगे जो हमने लगाया। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से ये जो है ब्लेंड हो रहा है। मेकअप को ब्रश से ब्लेंड करने के बाद आप स्पॉन्ज से जरूर ब्लेंड करें, क्योंकि ये आपके मेकअप को एक अच्छी फिनिशिंग देता है, एक अच्छा लुक देता है, बेस को बहुत स्मूथ बना देता है। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कलर बार के ये ले लीजिए स्पॉन्ज जो है। ये जो है एक सर्कल में आता है, व्हील की तरह से आता है, और इसमें आपको मेरे ख्याल से 8 स्पॉन्जेस मिलते हैं इस तरीके के, और ये बिल्कुल रीजनेबल है। जो जितने प्रोडक्ट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ सबसे रीजनेबल और बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो ये जो है मुझे सबसे बेस्ट लगे। ये आई थिंक मैं जब से स्टार्ट किया है मेकअप करना तब से ये यूज़ कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छे स्पॉन्जेस होते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये इजीली आईज के नीचे या फिर आपको कहीं भी इजीली मतलब पूरे फेस पे आप इसे ब्लेंडिंग कर सकते हैं। जो बड़े स्पॉन्ज होते हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट इससे आपको बहुत अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी, एक स्मूथ सरफेस मिलेगा। इस तरीके से ये बहुत सॉफ्ट है, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। ये भी बहुत अच्छे होते हैं फेस के फाउंडेशन को आराम से मतलब अच्छा दिखाने के लिए, बहुत अच्छे होते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये अपनी ब्राइडल वैनिटी में ज़रूर ऐड करें। करते हैं कंसीलर्स की। तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ आपको 2 ऑप्शंस बता रही हूँ। ये है मेबलिन का फिट मी, जो कि हम सभी लोग जानते होंगे कि ये काफी अच्छा कंसीलर है जो कि यूज किया जाता है, और आपको इजीली जो है नायका पर अवेलेबल है ये। और जो सेकंड जो मेरे फेवरेट है, मैं पसंद यूज़ करना पसंद करती हूँ, वो है ये नेक्स के HD स्टूडियो फोटोजेनिक कंसीलर। ये कंसीलर गाइस बहुत ही अच्छे कंसीलर हैं, और मेरे फेवरेट कंसीलर है। ये आपको बहुत स्मूथ फिनिशिंग देते हैं, लॉन्ग लास्टिंग है। दिस इज अ रियली गुड कंसीलर। फिट मी जो है मेरे पास है, ये शेड है सैंड सेबर 20। इंडियन स्किन टोन के लिए एज अ कंसीलर, एज अ हाईलाइटर ये बहुत अच्छा शेड है, तो आप ये ले सकते हैं। और NYX में यहाँ मेरे पास 2 कलर्स हैं, 2 शेड्स हैं, CW04 बेज, दिस इज फॉर वार्म अंडरटोन, एंड दिस इज CW03 लाइट पेल। ये जो है आपकी कूल अंडरटोन के लिए बहुत अच्छा कंसीलर है, और इंडियन स्किन टोन पे बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे। तो कंसीलर्स के लिए मेरे पास यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब फाउंडेशन लगाने के बाद, बेस लगाने के बाद आपको पाउडर की जरूरत पड़ेगी, फिनिशिंग पाउडर की। और ये मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पैक का ले, ये रीजनेबल है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मेरे पास है TL02, ये जो है बहुत ही अच्छे पाउडर है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एंड कन्वीनियंट, आपको इजिली मिल जाएगा, नायका पर अवेलेबल है। बट बिफोर पाउडर मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ ब्रशेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ गाइज, क्योंकि ब्रशेज भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, अच्छे ब्रश होने आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो सबसे अच्छे ब्रशेज हैं जो आपको ईजिली मिल जाएंगे और जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो आई थिंक ये है रियल टेक्निक के ब्रशेज, जो कि काफ़ी अच्छे ब्रशेज हैं। ये आपको जो है इस तरीके से 4-5 ब्रशेज जो हैं आपको इस तरीके से एक उसमें मिलेंगे पैक में, इनका एक अलग होगा पैक, और ये जो है सेपरेट आपको ब्रशेज मिलेंगे। ये है रियल टेक्निक का ब्रश जो है, आई थिंक आपके सभी कामों के लिए, आप आईज के नीचे पाउडर लगा सकते हैं, इसको कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, छोटे कॉन्टोरिंग आपको इजी पड़ेगा, आप पाउडर कॉन्टोरिंग कर रहे हैं तो, और आप इससे पूरे फेस पे पाउडर लगा सकते हैं, बहुत छोटे छोटे आप इससे बहुत काम कर सकते हैं, दिस इज़ मल्टीपर्पज़ ब्रश मैं कहूँगी। तो ये ब्रश आप अपनी वैनिटी में ज़रूर ऐड करें, आप देखेंगे कि ब्रश का सिर्फ एक ब्रश चेंज करने से ही आपकी जो मेकअप में है वो कितना इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये है पाउडर ब्रश, दिस इज़ द बेस्ट पाउडर ब्रश। तो आई थिंक ये ब्रशेज जो हैं आपको बाय करने चाहिए। और कुछ ब्रशेज जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, ये है वेट एंड वाइल्ड का ब्रश। वेट एंड वाइल्ड के ब्रश बहुत अच्छे हैं, बहुत सस्ते हैं,
आपको इजीली मिल सकता है मार्केट में. और आई थिंक ये जो है मुझे हाइलाइटर के लिए बहुत पसंद है, मैं इससे हाइलाइटर लगाना पसंद करती हूँ. तो ये कुछ ब्रशेज हैं जो मैं शेयर करना चाहती थी कि आप ज़रूर लें. आईब्रो ब्रश है ये, जो है छोटी छोटी डिटेलिंग्स के लिए बहुत अच्छा ब्रश है. और ब्रश की एक अलग वीडियो अवेलेबल है, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं. तो अभी कंटिन्यू करते हैं हमारा मेकअप. मैं पाउडर लगाने जा रही हूँ. ओके गाइज, अब बात करते हैं आईज की. आई शेडोज कौन सी लें, क्या यूज करें. तो इसके लिए जो है मुझे सबसे कन्वीनियंट जो चीज लगी, जो पैलेट लगी, वो ये है दो निका के की आई शेडो पैलेट्स, जो कि आपको नायका पर अवेलेबल हैं. और इसमें जो है आपको तकरीबन सभी शेड्स मिल जाएंगे. आप देख सकते हैं ये दो पैलेट आपको काफ़ी रहेंगी आपके मैट शेड्स के लिए. तो चूंकि दो पैलेट्स में काफ़ी कुछ कवरअप है और काफ़ी शेड्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो मेरे काफ़ी शेड्स ख़त्म हो चुके हैं. तो दिस इज़ अ रियली गुड पैलेट. आप मैट आई शेडोज के लिए अगर कुछ ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ द राइट चॉइस. आप ये दो पैलेट्स लें. और नायका पर जब सेल लगती है तो आप जब प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं तो आपको ज़्यादा और भी ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं. तो मैं तो यही करती हूँ भाई कि जब भी सेल होती है तब भी ज़्यादा खरीदना पसंद करती हूँ. लाइक पिंक फ्राइडे सेल या कुछ भी है तो मुझे ये जो है दो आई शेडो पैलेट बहुत पसंद आई मैट में जो है. भाई अब बात करते हैं क्रीमी आई शेडो पैलेट की. क्रीमी आई शेडो पैलेट कौन सी ले जो कि सस्ती भी हो, जिसका रिजल्ट भी अच्छा हो. तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी ले. आपको कुछ ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है. जो बेस्ट चीज़ है मैं आपको वो आज दिखा रही हूँ. मैंने ये पहले कई बार शेयर करी, मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैंने शेयर करी है कि ये पैलेट जो है मिस रोज़ की जो पैलेट है ये बहुत खूबसूरत पैलेट है. इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिलते हैं और ये जो है क्रीमी आई शेडो पैलेट बहुत ही अच्छी है गाइज, बहुत ही अच्छी. आई थिंक इसमें आपको सभी शेड्स मिलते हैं, ब्राइडल के लिए परफेक्ट है. आप मैट शेड से जो है आप क्रीज लाइन बनाइए और फिर इसमें से कलर्स जो हैं वो आप जो है आई बॉल पर यूज़ करें. दिस इज़ द बेस्ट आई शेडो, क्रीमी आई शेडो पैलेट बेसिकली जो मुझे पसंद है. इसके कुछ स्क्वैचेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. तो आप देखिए कि कितनी खूबसूरत पैलेट है ये. ये देखिए ये है इसका येलो कलर, क्योंकि बेसिकली येलो कलर जो है इतने वाइब्रेंट्स नहीं मिल पाते हैं तो इसका येलो कलर है जो मुझे बहुत पसंद है. आप इसको क्रीज लाइन पर भी यूज़ कर सकते हैं बट आई बॉल पे ये बहुत खूबसूरत लगता है. ब्राइडल्स के ऊपर आप उसके ऊपर ग्लिटर्स लगाइए, बहुत खूबसूरत लगेगा, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ इसे थोड़ी देर में मेकअप करके. और इसका ये ग्रीन कलर, आई लव दिस कलर. आप देखते हैं कितने वाइब्रेंट कलर्स हैं, कितने वाइब्रेंट कलर्स हैं, ये बहुत ही खूबसूरत कलर्स हैं. और इसका ये पर्पल शेड देखिए आप, तो कितने खूबसूरत कलर है, बहुत वाइब्रेंट है. और सबसे इजीली अवेलेबल है, आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी ये पैलेट जो है, बहुत खूबसूरत कलर्स है गाइस. इसका एक और शेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जो है ये ब्यूटिफुल कॉपर कलर. आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर है, ये बहुत खूबसूरत कलर है. आप देख सकते हैं सो क्रीमी, ईजी टू अप्लाई और बहुत ही अच्छा लगता है ये. गाइज मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि दिस इज़ द बेस्ट पैलेट. आप ये पैलेट लीजिए और मीन्स आपको और किसी भी पैलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और इसके बारे में जो एक वीडियो है जो मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर करी थी तो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं. तो आप एक ये मिस रोज की क्रीमी आई शेडो पैलेट अपनी ब्राइडल वैनिटी में ज़रूर इंक्लूड करें. सेम शेड हम आईज के नीचे भी ब्लेंडिंग के लिए यूज करेंगे. नाउ फॉर क्रीम आई शेडो, दिस इज रियली गुड कलर गाइज, दिस इज माई फेवरेट कलर.
एक प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है ये मैक का फिक्स प्लस। गाइस ये आपकी ब्राइडल वैनिटी में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आई मीन आप थोड़ा सा, ये मैं मानती हूँ कि ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके मामले में हम लोग बिल्कुल भी कोई चॉइस ही नहीं होती है, वो हमें लेना ही लेना होता है। तो दिस इज़ द मस्ट हैव प्रोडक्ट जो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा मीन्स आप थोड़ी सी इन्वेस्ट करें और अपने मेकअप में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट लेके आए। तो ये मैक फिक्स प्लस बहुत सारे कामों में आपके हेल्पफुल होता है। बेसिकली अगर आप मेकअप करने से पहले मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आप इसको स्पॉन्ज से जो है स्पॉन्ज पे स्प्रे करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई करिए, तो आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। जो इसका सेकंड यूज़ है वो ये कि अगर कभी भी पाउडर लगाने के बाद आपको लग रहा है कि फेस बहुत ज़्यादा पाउडरी हो रहा है, तो आप इसको पूरे फेस पर जो है स्प्रे कर दीजिए, तो जो पाउडर का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और एक अच्छा स्मूथ सर्फेस आपको मिलेगा मेकअप का। और इसका थर्ड यूज़ जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी आई शेडो है जो कि पॉपअप नहीं हो रही है, जो कि थोड़ी कम शाइनी हो है, तो आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं उसको लगाने के लिए। कैसे लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने अभी आईज पर, ये आप देख रहे हैं, मैंने आई शेडो लगाई है, लेकिन मैं इसको दोबारा अगेन इसको सेट करने के लिए, आईज को सेट करने के लिए मैं थोड़ी सी आई शेडो दोबारा लूँगी। ब्रश पे आई शेडो ली है मैंने और मैं इसको हल्का सा इस पे जो है स्प्रे करने वाली हूँ, लाइक दिस, ऐसे आप स्प्रे कर दीजिए इसको। एंड अब आप जो है इसको आईज पे लगाएंगे, आप दोनों आईज का फर्क जो है आपको भी पता चलेगा। आप देखिए, मैंने जस्ट इसको इस तरह से अप्लाई किया आईज पे, तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने इस आईज पे जो है स्प्रे यूज़ किया है और इस पर नहीं किया है। इससे आपकी आई शेडो जो है वो सेट हो जाती है, क्योंकि ब्राइडल को जो है काफ़ी घंटे जो है बैठना होता है मेकअप के लिए, और उसके बाद फिर जो है उसको पूरी रात जो है स्टे करना होता है मेकअप को, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपका मैक फिक्स प्लस। तो ये प्रोडक्ट जो है मस्ट हैव प्रोडक्ट है, आप अपनी ब्राइडल वैनिटी में ज़रूर इंक्लूड करें। आपकी आईज पे, आपके आई शेडो को, ग्लिटर को एक बहुत अच्छा लुक देगा और आपके मेकअप में जो आपका पाउडर लग रहा है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो दिस इज़ रियली अ गुड प्रोडक्ट एंड मस्ट हैव गाइज, मैं अगेन आपको बता रही हूँ। और ये प्रोडक्ट जो है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, जहां पर आपका मैक का आउटलेट होगा मैक के प्रोडक्ट सिर्फ वहीं मिलेंगे आपको। अगर आपको कोई और ऑफर करता है कि नहीं हम आपको सस्ता ला कर दे देंगे, ये है वो है, तो बिल्कुल आप बाय मत करिए। इसके प्रोडक्ट्स, मैक के प्रोडक्ट्स जो हैं आपको वो मैक के आउटलेट पे मिलेंगे। मैक जो है किसी को भी नहीं देते हैं सेल करने के लिए, ये बात अलग है कि कोई जो है ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जो है बाय करके आपको बेच रहा हो, सेल कर रहा हो ज़्यादा चार्जेस पे, बट कम चार्जेस पर वो आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये मैक कभी भी मैक नहीं अलाउड करता है आपको। और भाई जैसे बात हुई ब्राइडल की, तो बिना ग्लिटर आईज के आपकी जो ब्राइडल है वो कभी कम्प्लीट ही नहीं होगी, तो आप ग्लिटर्स ज़रूर ऐड करें। ये जस्ट गोल्ड का ग्लिटर है, आपको इजीली लोकल मार्केट में अवेलेबल है, ये बहुत अच्छा लगता है आईज पे ग्लिटर जो है। मेरे पास बहुत सारे, ये भी जस्ट गोल्ड का है, ये जो है मिक्स्ड कलर है, मतलब मल्टी कलर ग्लिटर है ये, और मर्जेंटा कलर का ग्लिटर, पिंक कलर का ग्लिटर है ये, और ये सिल्वर कलर का ग्लिटर है, गोल्डन कलर का ग्लिटर है। गोल्डन में आपको कई तरीके के गोल्डन्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो तरीके के ग्लिटर्स हैं, ये दोनों गोल्डन हैं बट शेड्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ग्लिटर्स आप ज़रूर ऐड करें। और ये है क्रियोलॉन का ग्लिटर, आई थिंक मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि ये आप अपनी ब्राइडल वैनिटी में ऐड करें, क्योंकि ये इतना अच्छा ग्लिटर है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 500 के नियर अबाउट है, बट इवन देन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है बाकी ग्लिटर से बहुत अच्छा ग्लिटर मैंने देखा है, क्योंकि इतना बड़ा पॉट आपको इतना सस्ता मिलना कहीं भी मेरे को पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा था कि कहीं से मिले। आई थिंक सॉरी, ये 350 का ग्लिटर है, 500 का नहीं, तो ये जो है थोड़ा है, आप इसको एक्सपेंसिव कह लीजिए या इसको सस्ता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मैं अगर आप बड़े ब्रांड्स की बात करें तो उसमें आपको इस तरीके का ग्लिटर्स
इतने कम रेट पे नहीं मिलेगा। या ऑफ कोर्स अगर जस्ट गोल्ड ग्लिटर की बात करें तो उसके आगे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट स्टिल मैं आप चाहूंगी कि आप एक दो ग्लिटर्स ऐसे ऐड करें जो कि आपके जो है दूसरे ग्लिटर से, नॉर्मल ग्लिटर से अच्छे हों, क्योंकि ब्राइडल्स का है तो आप डेफिनेटली अच्छे ही यूज करना चाहेंगे। अब मैं ये ग्लिटर लगाने जा रही हूँ, क्रेयलॉन का येलो ग्लिटर है ये, और ये पैक का टू वे जेल है, ग्लिटर्स के लिए है, आप ये यूज कर सकते हैं, ये ले सकते हैं, आपको ये नायका पर मिल जाएगा। मैं ग्लिटर्स को जो है फिंगर से लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि ये आपको एक स्मूथ सरफेस देता है। पहले हम टू वे जेल लगाएंगे, हम सिर्फ आई बॉल पर लगाने वाले हैं। और अब बात करते हैं हाइलाइटर्स की, के हाइलाइटर कौन सा यूज करें। तो मैंने जो है आपके लिए दो हाइलाइटर चूज किए हैं जो कि रीजनेबल हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। ये है पैक का हाइलाइटर जो मेरा फेवरेट है, जो मैं काफ़ी टाइम यूज़ करती हूँ, और ये है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर जो कि आपको पिंक टोन में आता है, ये थोड़ा येलो टोन में है, ये पिंक टोन में है। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड हाइलाइटर, अगर किसी को बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग पसंद ना हो तो आप ये सॉफ्ट हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। आप ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप पैक का हाइलाइटर ले, क्योंकि ये हमारे सभी इंडियन टोन पे ईजिली चला जाएगा। ये जो मेरे पास है पैक का बिग हाइलाइटर, ये है 01 हाइलाइटर है, तो दिस इज द बेस्ट हाइलाइटर विच आई सजेस्ट यू इन योर ब्राइडल वैनिटी। सो ब्राउन को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मैं यही हाइलाइटर ले रही हूँ जो कि बहुत अच्छा हाइलाइटर है। और लाइनर, लाइनर कौन सा यूज करें, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मेबलिन का जेल लाइनर लीजिए, क्योंकि आपकी वैनिटी में मेकअप ब्लेंडर ऑलरेडी है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था क्या हम इसको जेल लाइनर में भी यूज कर सकते हैं, जेल लाइनर के साथ यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप जेल लाइनर के साथ इसको यूज कर सकते हैं। या आपका अगर जब भी आपका लाइनर सूख जाता है जेल लाइनर, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इसमें वन ड्रॉप डालिए, आपका जो लाइनर है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा, इजिली अप्लाई हो जाएगा। सो ये मेकअप ब्लेंडर और मैक का मेकअप फिक्स प्लस तो आपकी वैनिटी में जरूर जरूर होनी चाहिए। कॉन्टोरिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये NYX की कॉन्टोर पैलेट, जो कि बहुत अच्छी पैलेट है। इसमें आपको 4 हाइलाइटर शेड मिल रहे हैं और 4 कॉन्टोरिंग शेड मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी पैलेट है। और जो न्यू कमर्स हैं, जो कि जिन लोगों ने नया स्टार्ट किया है अपना मेकअप, उनके लिए बहुत अच्छी पैलेट है, लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली पैलेट है ये। और इसका ये शेड बहुत अच्छा है, इसे आप ब्राइबोन हाईलाइट कर सकते हैं, और मीन्स दिस इज़ द बेस्ट हाइलाइटर शेड। ये जो आप देख रहे हैं ये हाइलाइटर शेड जो है बेस्ट हाइलाइटर शेड है, और इसके ये वाले शेड जो है आप ये भी आईज के नीचे हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट दिस पैलेट, और ये नियर अबाउट 2000 की या 1900 की आपको नायका से मिल रही है, बट कब जब भी सेल होती है ये आपको 1600 में मिल जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप तब लें जब ये सेल में हो, तो आपको सस्ती पड़ेगी ये वाली पैलेट जो है। अब मैं इसे फटाफट जल्दी से कॉन्टोर कर लेती हूँ। नॉर्मल पेंसिल ले रहे हैं, किसी कंपनी की पेंसिल नहीं है, तो आप नॉर्मल पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जहां आप पैसे बचा सकते हैं वहां बचाइए, वहां ज्यादा आपको हाईफाई प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं आपको हाइलाइटर यूज करके दिखाने वाली हूँ। एक साइड पे मैं वेट एंड वाइल्ड हाइलाइटर यूज कर रही हूँ और दूसरी साइड पे पैक का, जिससे कि आपको दोनों का ही रिजल्ट पता चल जाए। ब्लश के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कूडोस की ब्लश पैलेट लीजिए, इसमें बहुत अच्छे शेड्स हैं, बहुत सारे शेड्स हैं इसमें। दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल ब्लश पैलेट, आप देख सकते हैं कितने सारे शेड्स हैं इसमें। इसमें आपको हाइलाइटर शेड्स भी मिलते हैं, ये नीचे हाइलाइटर शेड है, मेरा ऑलमोस्ट जो है वो फिनिश हो चुका है,
बट दिस पैलेट इज अ रियली गुड गाइज और मैं पर्सनली इसको बहुत यूज करती हूँ. ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है बट इसमें आपको सारे शेड्स मिल जाएंगे. आई थिंक अलग अलग ब्लश शेड्स खरीदने से अच्छा है कि हम एक पूरी पैलेट खरीद लें. इसके जो शेड्स हैं आप इनसे कॉन्टोर भी कर सकते हैं. तो ये ब्लश पैलेट भी आपकी कॉन्टोर पैलेट भी है, हाइलाइटर पैलेट भी. इसका जो हाइलाइटर है वो बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं वो खत्म हो चुका है पूरी तरह से. बट आई वॉन्ट टू शो यू द रिजल्ट ऑफ दिस हाइलाइटर. दिस इज द हाइलाइटर ऑफ कूडोस ब्लश पैलेट. ये देखिए कितना खूबसूरत हाइलाइटर है ये. आप कूडोस की ब्लश पैलेट लीजिए, बहुत अच्छी पैलेट है ये. फाइनली अब बात आती है लिपस्टिक्स की गाइस, क्योंकि लिपस्टिक जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. ब्राइडल्स कहती हैं लिपस्टिक हट जाती हैं या फिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलती हैं. और मैंने भी देखा है एक दो ब्राइड्स को मेरे खुद के घर की मैरिजेस में कि किसी ने जो है लिपस्टिक जो है नॉर्मल लिपस्टिक लगा दी, फिर ब्राइडल ने जो नथ पहनी हुई थी उस नथ की वजह से उसका ये सारा एरिया रेड हो चुका था, विच लुक्स रियली बैड. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है इस तरीके की लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स लें, या आप मेबलिन की सुपर स्टे लिपस्टिक्स यूज कर सकते हैं. वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट आई विल सजेस्ट यू कि आप दो चार शेड ही ले, जैसे कि वो मोस्टली जो है ब्राइड्स पे वो यूज होता है रेड, मर्जेंटा या फिर डार्क पिंक कलर जो होते हैं या फिर ऑरेंज कलर. आप इस तरीके से दो तीन शेड्स आप ऐसे रखिए जो कि ब्राइड्स पे अच्छे लगते हैं. ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. या फिर एक शेड जो है आप न्यूड रखिए, क्योंकि जब हम आईज़ बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देते हैं तो कुछ ब्राइडल्स कहती हैं कि हमें जो है लिप्स जो है वो न्यूड चाहिए. तो आप दो तीन शेड इस तरीके के रखिए जो ब्राइड्स पे अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जैसे कि मैंने यहाँ पर ये दो शेड्स रखे हैं, आपको आप देख सकते हैं मैटनी के शेड्स हैं ये, और ये रेड शेड है और ये जो है पिंक शेड है. ये नॉर्मल है ADS जो प्रो सुपर स्टे की लिपस्टिक है ये. ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी, मुझे भी ये लोकल मार्केट से मिली है और बहुत अच्छा स्टे है इनका. 6 to 7 hours ईजिली आपकी ये स्टे कर जाएंगी. और अगर आप मेबलिन की लेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छी स्टे करती है, 12 hours स्टे करती हैं वो, तो आप वो ले सकते हैं. गाइज मेकअप कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ लैशेज और हेयर्स रह रहे हैं, तो वो मैं फाइनल लुक आपको बाद में दिखाऊंगी. बट पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी. आज जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया है वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी वैनिटी में होने ही होने चाहिए, ब्राइडल वैनिटी में. बट इसके अलावा आप जो है अपनी वैनिटी में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो है जो बहुत अच्छे हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. कुछ इस तरीके के लाइनर्स होते हैं जो आपको अपनी वैनिटी में ज़रूर ऐड होने चाहिए आपकी वैनिटी में, जो कि ब्राइडल्स के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं. आप लाइनर लगाइए उसके ऊपर, जस्ट ये एक विंग लगाइए, ये बहुत खूबसूरत लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है. आप कुछ ब्राइड के साथ ये भी ट्राई कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर तीन शेड्स रखे हुए अपनी ब्राइडल वैनिटी में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का, रेड कलर का और ये कॉपर कलर का. इस तरीके की आप तीन शेड्स रख सकते हैं ग्लिटर लाइनर के, जो बहुत खूबसूरत लगते हैं और ब्राइडल का लुक भी बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं. और ये रेवोल्यूशन की एक छोटी सी आई शेडो है, यूनिकॉर्न फॉइल आई शेडो, और जो कि बहुत खूबसूरत लगती है. बेसिकली मैं इसको इनर कॉर्नर्स में लगाना पसंद करती हूँ या हाइलाइटिंग करना पसंद करती हूँ. ये बहुत ही अच्छी आई शेडो है, आप देख सकते हैं ये ड्यूअल इफेक्ट देती है आपको. कभी कभी ये ब्लू टिंट दे रही है या फिर कभी कभी पिंक टिंट देती है. तो आई थिंक ये फॉइल आई शेडो आप ज़रूर ऐड करिए. आप इसको एज आई शेडो यूज़ कर सकते हैं, हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ रियली अ गुड आई शेडो. एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ये आई शेडो, जो कि मुझे लोकल मार्केट में ही मिली थी. तो इस पर मैक लिखा है बट ये मैक की नहीं है. बट इसका जो रिजल्ट था मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था. ये इस तरीके से रोल ऑन आई शेडो है, आप देख सकते हैं इसका कि बहुत अच्छा इफेक्ट है. माय गॉड, देखिए आप देखिए बहुत खूबसूरत लग रही है ये आई शेडो. आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ये आई शेडो.
तो इस तरीके के कुछ कलर्स जो हैं अगर आपको लोकल मार्केट में मिल जाएं, इजीली अवेलेबल हो, तो आप डेफिनेटली लें और उनको यूज़ करें। आप इसको जो है मैक फिक्स प्लस के साथ लगाएंगे तो आपको और अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड आई शेडो जो कि मुझे लोकल मार्केट में मिली थी और मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। दिस इज़ रियली नाइस प्रोडक्ट। सो यार, ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि मैंने ब्राइडल वैनिटी में जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। एंड या गाइज, मैंने जो लुक कंप्लीट कर लिया है, वन थिंग जो आपकी वैनिटी में ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए वो है एक सेटिंग स्प्रे। एक अच्छा सेटिंग स्प्रे होना बहुत ज़रूरी है। लास्टली, मेकअप सब कंप्लीट होने के बाद आप स्प्रे करिए। तो एक अच्छा सेटिंग स्प्रे होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। मैंने जितने आज आपको प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, मैंने कोशिश किया है कि मैं बहुत रीजनेबल और बेस्ट प्रोडक्ट आपको दिखाऊं। इसके अलावा आप अपनी वैनिटी में कुछ और भी ऐड करना चाहें तो डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने दिखाए हैं वही प्रोडक्ट्स ऐड करें। इसके अलावा भी आपके पास और कोई अच्छी ऑप्शन हो तो डेफिनेटली आप मेरे साथ भी शेयर करिएगा इंस्टाग्राम पर। भाई, ब्राइडल का मेकअप है, बिना बिंदी के कैसे कंप्लीट हो सकता है? तो बिंदी लगा ली है मैंने। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और साइड में बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस कर देना जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड आई होप कि आप ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना जरूर पसंद करेंगे। सो प्लीज सपोर्ट मी और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।